नमस्कार दोस्तों, बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। इंडियन नेशनल लोकदल बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ सड़कों पर उतरी है। आज अर्जुन चौटाला की अगुवाई में अंबाला के उपायुक्त को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है और अर्जुन चौटाला आप देख सकते हैं इस समय कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे हैं। आज के जो प्रदर्शन किया गया है उसकी अगुवाई अर्जुन चौटाला ने की थी और तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि ज्ञापन देने के बाद कार्यकर्ताओं से इस समय रूबरू हो रहे हैं। और इससे पहले इंडियन नेशनल लोकदल के जो नेता अभय चौटाला है वो इकलौते ऐसे विधायक सामने आए हैं जिन्होंने किसानों के मुद्दे पर अपना इस्तीफा जो है वो दिया है। अर्जुन चौटाला इस समय हमारे साथ हैं। सर, आज से सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ डिमांड्स हैं? देखिए, प्रदेश के अंदर बड़ी दुख की बात है, जो बेरोजगारी है पिछले जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक 28.1% पर आ चुकी है। महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, किसानों की आमदनी नहीं बढ़ रही, साथ ही साथ मंडियों के अंदर जो खरीद है फसलों की वो इस समय डिले पर चल रही है। सरकार ने बड़ा ठोक के वादा करा था 1 तारीख से 48 घंटे में हम सारी खरीद कर लेंगे, आज 12 तारीख हो गई, इनके 48 घंटे अब तक पूरे नहीं हुए। फिर जब भी इनसे कोई पूछता है तो फिर आगे कह देते हैं जी हम 48 घंटे में कर देंगे। तो हर चीज पे, हर वादे पे ये सरकार आज के दिन फेल हो चुकी है और ये सभी बातें हम डीसी को ज्ञापन देकर के हम सही सोर्सेज तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और हर जिले के अंदर हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने ये मिलकर के फैसला करा है कि हरियाणा के सभी जिलों में हम प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। सर, विरोध बीजेपी जेजेपी का लगातार बढ़ता जा रहा है, कहीं पर भी जाते हैं किसान पहले पहुंच जाते हैं, किस तरह देखते हैं? किसान तो आज के दिन बहुत गुस्सा है, और सिर्फ किसान नहीं, हर आम आदमी, देश का हर युवा, हर महिला आज इस पार्टी से दुखी है, इन दोनों पार्टियों से। इनको एक बार आज एक चीज़ देखो, इनको कहीं भी जाना पड़ता है, 500-500, 600-600 लोगों की फोर्स लगानी पड़ती है जी। ये अकेले चलेगी, लोग इनके कपड़े पाड़ देंगे। सर, नाम दोनों पार्टियां, चाहे इनेलो की बात करें हम चाहे जेजेपी की, ताऊ देवीलाल के नाम का जो है वो सबसे आगे रखा जाता है। मसीहा दोनों पार्टियां खुद को किसानों का बता रही हैं। अजय चौटाला ये तक कह चुके हैं कि दुष्यंत का इस्तीफा मेरी जेब में पड़ा है, जब चाहे दे देंगे अगर मसला हल होता है। उन्होंने कहा था उसके 2 दिन बाद ही चलेगी ना तिहाड़ जेल, कहाँ है फिर वो इस्तीफा। और रही बात है कि लोग जब मांगेंगे हम दे देंगे, तो लोग तो सारे प्रदेश में मांग रहे हैं, अब तो दे क्यों नहीं रहे फिर? चलो देना छोड़ो, उनको कहो दिखा दे एक बार इस दस्तक कर करावा, इस्तीफा अगर है तो बोलो एक बार दिखा दे, दे भी दिखाने में तो कुछ नहीं जा रहा उनका। और रही बात है बड़े चोई साहब का नाम लगाने के लिए, तो ना तो वो फैसला करेंगे किसानों के मसीहे है, ना हम फैसला करेंगे किसानों के मसीहे, इस देश के किसान करेंगे। और किसान जो फैसला करेंगे वही फैसला जो है वो माना जाएगा। और रही बात है भी बड़े चोई साहब की तस्वीर लगाना, बड़े चोई साहब की तस्वीर कोई भी लगा सकता है, कोई भी ये कह सकता है हम उनका वंशज है, लेकिन उनका असली जो वंशज है वो इस देश का किसान है, जो किसान हितेशी है, किसान के बीच रहता है, किसानों के लिए काम करता है, वही उनका सच्चा हितेशी है, वही उनका सच्चा आगे वंशज है। नाम लगाने से, कहने से या फोटो लगाने से इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। दुष्यंत भी खुद को लगातार किसानों का हितेशी बता रहे हैं, तो फिर किसान ही उसको गाली क्यों निकाल रहे हैं? मतलब आप एक चीज सोचो, कमाल की बात है, मैं किसानों का हितेशी और किसान मेरे को ही गाल काटे हैं। मैंने आपको जैसे कि बताया, खुद कहने से फर्क नहीं पड़ता, ये किसान फैसला करेगा किसान का हितेशी कौन है। और किसान ने साफ कह रखा है कि भाई ये लोग हमारे हितेशी नहीं, ये लोग तो हमारे दुश्मन है। केंद्रीय मंत्री ने दोबारा वार्ता के लिए, बातचीत शुरू करने के लिए बयान दिया है, किस तरह देखते हैं? तो बातचीत करो, लेकिन उस बातचीत का हल भी आना चाहिए। हल तभी आएगा अगर केंद्र की सरकार किसानों की मांगों को मांगे। अगर केंद्र की सरकार बुलाएगी और यही बुलाने के लिए, ये कहने के लिए बुलाएगी कि भी आपकी मांग मान नहीं सकते, तो फिर ऐसी बातचीत का फायदा भी नहीं है। जहां पर सारे देश के किसान बॉर्डर पर आज के दिन बैठे हैं, कि सरकार को कहीं ना कहीं उन किसानों की बात माननी चाहिए, किसानों की बात मान करके, उनका मान रख करके MSP पर कानून बनाना चाहिए और 3 काले कानून वापस लेने चाहिए। कोरोना को लेकर चिंता भी जाहिर की जा रही है किसानों के प्रति। जब कुंभ का मेला होया जो चल रहा है, जब ये डिक्लेयर हुआ तब कहां गया कोरोना? 50 लाख लोग एक दिन में एक बार स्नान लेते हैं तब इनको कोरोना की चिंता नहीं है। जब बंगाल में ये रैलियां कर रहे हैं वहां इनको कोरोना की चिंता नहीं है, लेकिन हाँ बॉर्डर पे किसान बैठे हैं तो अब इनको कोरोना की चिंता एकदम से जागी। ये कोरोना की चिंता जता रहे हैं, इनको है नहीं, ये एक बहाना मार रहे हैं कि किसी प्रकार किसानों को वहां से हटा दिया जाए। अंतिम सवाल सर, एलनाबाद की क्या कुछ तैयारी है, कालका की क्या कुछ तैयारी है? आप दोनों जगह आओ और देखो, मैं तो कहूंगा हमारी बढ़िया तैयारी है, लेकिन आप अपनी आंखों से आके देखो, जनता से पूछो, आप भाई गांव गांव जाओ, साथियों से पूछो, गांव वालों से पूछो, वो आपको ज्यादा अच्छी तरह से बता पाएंगे। हम अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार हैं। बिल्कुल, एलनाबाद और कालका में पूरी तैयारी है। वहीं किसानों के मुद्दे पर लगातार जिस तरह से जेजेपी और इनेलो कहीं ना कहीं जब एक थे तब कहीं ना कहीं बयानबाजी कुछ और होती थी, लेकिन अब जो है एक दूसरे के खिलाफ भर भर कर पलटवार भी किए जाते हैं। आज भी अर्जुन चौटाला जो है अंबाला पहुंचे थे और उन्होंने
अजय चौटाला हो या फिर दुष्यंत चौटाला, दोनों को तसल्ली से हम ये कह सकते हैं कि निशाने पर लिया और दोनों पर जमकर पलटवार किए। अपडेट लगातार देते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए और अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ की मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कीजिए।